दोस्तों आज का वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहता है। साथियों आज का वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर बनना चाहता है। कुल मिलाकर दोस्तों आज का वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहता है, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का लाइसेंस वो चाहता है। लेकिन फ्रेंड्स कई लोग ऐसे हैं वो कई सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन उनका एग्जाम ही क्लियर नहीं हो रहा है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर नहीं बन पा रहे। फ्रेंड्स मैं जानता हूं आप लोग मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फ्रेंड्स वो एग्जाम ही क्लियर नहीं हो रहा है। और क्यों क्लियर नहीं हो रहा है? क्योंकि आपको सही एडवाइजर नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स मैं सपोर्ट करूंगा तो आपका एग्जाम 101% इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का जरूर क्लियर होगा। फ्रेंड्स 101% बोल रहा हूं। बस फ्रेंड्स मेरे को फॉलो करिए, मेरे चैनल को वॉच करिए तो आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का एग्जाम आप किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं, आपको क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस होता है ऑल ओवर इंडिया के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड जैसा कि आपको पता होगा, आप जब तक इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर नहीं बन सकते हैं जब तक आपके पास इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का लाइसेंस नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहले आप इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का एग्जाम क्लियर करिए, उसके बाद ही आप इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फ्रेंड्स मैं ये बात आपको हर वीडियो में इसीलिए बोलता हूं ताकि जो नए व्यूअर्स हैं, जो नए लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, उनको भी ये पता चल जाए कि इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का एग्जाम क्लियर करना होता है, उसी के बाद आप इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। या तो कहीं से आप सुपरवाइजर को हायर करिए या तो आप खुद ही एग्जाम को क्लियर करिए। किस वाले एग्जाम को? इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर वाले एग्जाम को। तो फ्रेंड्स बात मैं करता हूं आपके, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। फ्रेंड्स ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं, अपने जितने भी स्टेट है इंडिया में हर एग्जाम में, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के एग्जाम में इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, इंडियन स्टैंडर्ड। फ्रेंड्स ऑल ओवर इंडिया में जो इंडियन स्टैंडर्ड होता है ना इलेक्ट्रिकल का, वो सेम ही है फ्रेंड्स, सेम ही है। तो आपको जो मैं बताऊंगा आपको मात्र वही पढ़ना है, बाकी की चीजें नहीं पढ़ना है फ्रेंड्स। और एक दो बातें और मैं आपसे बताना चाहता हूं फ्रेंड्स, अगर आपने डिग्री करी होगी, डिप्लोमा किया होगा, ठीक है, उसके बाद इसमें 3 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस मंगाता है। जैसे डिप्लोमा अगर आपने किया होगा तो 3 साल का, और डिग्री आपने करी होगी अगर इलेक्ट्रिकल से तो उसमें क्या है 3 साल का एक्सपीरियंस मंगाता है। तो फ्रेंड्स एक्सपीरियंस अगर अपन को हो जाता है तो थोड़ा बहुत चीज़ें तो क्लियर रहती हैं अपन को, क्योंकि अपन के पास प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। और इस वाले एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आते। थ्योरेटिकल बोले तो जैसे अपन जब बीई कर रहे थे, डिप्लोमा कर रहे थे, या फिर कोई अपन पब्लिक सेक्टर का एग्जाम दे रहे थे, उसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आते हैं और इसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर आपने, ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस होगा 2 साल का 3 साल का, तब भी आप इस अगले एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपसे बनेंगे ही अगर आपने प्रैक्टिकल काम किया होगा तो। और फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे इंडियन स्टैंडर्ड को फ्रेंड्स अपन को याद करना ही होगा कि क्या इंडियन स्टैंडर्ड है। इंडियन स्टैंडर्ड बहुत सारे होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत सारे होते हैं, बिजली चोरी की धाराएं क्या होती हैं, ठीक है, बिजली चोरी करने पर कौन सी धारा लगती है, मीटर से चोरी करोगे तो कौन सी धारा लगेगी, डायरेक्ट पोल से अगर चोरी करोगे तो कौन सी धारा लगेगी, इन सारे का वीडियो मैं बना चुका हूं कि बिजली चोरी करने से कौन सी धारा लगती है। फ्रेंड्स उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट की लिंक है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर रिलेटेड, तो उसमें सारे वीडियोस मैंने डाल के रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स ऑल ओवर इंडिया के लिए अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो फ्रेंड्स ये बात ध्यान में रख लीजिए कि आपको मेंटेनेंस रिलेटेड पढ़ना है, ठीक है, और आपको मेंटेनेंस रिलेटेड और इंस्टॉलेशन से रिलेटेड आपको सारी चीजें पढ़नी है इलेक्ट्रिकल की, ठीक है, और सिलेबस क्या है, ठीक है, कैसे पढ़ना है सारा कुछ अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा। थोड़ा सा कुछ बातें और आप लोगों से करनी है मेरे को, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे ये सारी चीजें मैं आप लोगों को नहीं बता रहा था किसी सेपरेट वीडियो में। मैं सोच रहा था कि कोई सेपरेट वीडियो बना लूं जिसमें मैं ये सारी बातें आपको बता दूं। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड, एक मोटर मशीन से रिलेटेड और एक ट्रांसफार्मर के टेस्टिंग से रिलेटेड 3 प्लेलिस्ट की लिंक है, ठीक है, उस प्लेलिस्ट की लिंक को फ्रेंड्स, उसके सारे वीडियोस आप लोग देख लीजिए, बिल्कुल मैंने
जो अपने इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना उसी से, ठीक है, मैंने उसी के क्वेश्चन से रिलेटेड सारी प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी, और तीनों प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स उन सारे वीडियोस को आप देख लेना, तो उससे आपको काफी हेल्पफुल होगा वो आपके एग्जाम के लिए। उससे क्या है, आपको देखना है, सुनना है मैं क्या बोल रहा हूँ उसमें, जैसे ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस का शेड्यूल क्या होता है, ठीक है, ऑयल अपन को कब चेंज करना चाहिए, और अपना जो गैस्केट होती है ट्रांसफार्मर की वो कब चेंज करनी चाहिए, कैसे पता चल जाएगा कि भाई सिलिका जेल खराब हो गया है तो उसको कब चेंज करना है, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आपको प्लेलिस्ट में आप मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए ऑल ओवर इंडिया के लिए बात कर रहा हूँ, तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी मिल जाएगी, तो आप लोग मेल मेरे को करिए, आप अपना नाम और अपना कॉन्टैक्ट नंबर उसमें मेंशन जरूर करना, तो मैं आपको कॉन्टैक्ट कर लूंगा और आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा दूंगा। फ्रेंड डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में मेरा जो ईमेल आईडी है वो है, तो आप मेरे को मेल करिए, लेकिन अपना नाम और अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, और ये जरूर लिखिए कि सर मेरे को रिक्वायरमेंट है स्टडी मटेरियल की, तो मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूंगा और आप लोगों को सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा दूंगा। फ्रेंड्स मेरे से जो मेरे को फॉलो करते हैं और जिनका एग्जाम क्लियर हुआ है और वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स कम से कम इस वीडियो को सपोर्ट करिए, मेरा सपोर्ट करिए, कमेंट में लिखिए कि हाँ सर आप ही को मैंने फॉलो किया था तभी मेरा एग्जाम क्लियर हुआ है। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों को मेरे पास कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, ठीक है, व्हाट्सअप वो करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर मेरा इस बार एग्जाम क्लियर हो गया है, थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स जितने भी लोग अगर जिनका भी एग्जाम क्लियर हो गया था, ठीक है, इससे पिछले कई सालों में, ठीक है, इसके प्रीवियस ईयर में भी एग्जाम हुआ था, तो उनका भी एग्जाम अगर क्लियर हो गया है, ठीक है, तो वो मेंशन जरूर करिए कमेंट में कि हाँ सर आप ही के वजह से, ठीक है, आप ही को हमने फॉलो किया था तो हमारा एग्जाम क्लियर हुआ है। फ्रेंड्स अगर आप मेरे को फॉलो करेंगे, आप अगर किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका एग्जाम 101% क्लियर होगा। बस आपको जितनी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है उस वीडियो को देखना है और आपको मेरे को मेल करना है अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए है। तो फ्रेंड्स स्टडी मटेरियल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ाई होती है, अगर वो स्टडी मटेरियल आप ले लेंगे तो आपका एग्जाम 101% क्लियर हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो पब्लिक सेक्टर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए वो एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स क्योंकि जितने भी लोग इस एग्जाम को देते हैं, ठीक है, इसके लिए एप्लीकेशन करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लाइसेंस के लिए, सारे लोग जॉब करते रहते हैं, उनके पास समय नहीं होता है, तो फ्रेंड्स उनके लिए मैं बता रहा हूं कि जब आपका एग्जाम होने वाला हो उससे पहले ही आप 4-5 महीने पहले ही मेरे को फॉलो करिए। अगर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे सारी प्लेलिस्ट है जो डिस्क्रिप्शन में, उस प्लेलिस्ट को भी आप अच्छे से देखिए, ठीक है। स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए होगा तो स्टडी मटेरियल भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, तो कम से कम 4 महीने पहले 3 महीने पहले आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए, तो आपका एग्जाम फ्रेंड जरूर क्लियर होगा। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल को फ्रेंड्स पहली बार अगर वॉच कर रहे हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, साथ में ऑल का ऑप्शन भी फ्रेंड्स सेलेक्ट कर लेना, जिससे आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस फ्रेंड्स मिलती रहेगी। और फ्रेंड्स ये वाला जो चैनल का आइकन है ना फ्रेंड्स, इस वाले आइकन को प्रेस करके आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और फ्रेंड्स ये वाली जो प्लेलिस्ट है, इस वाली प्लेलिस्ट को आप वॉच करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये वाली प्लेलिस्ट मैंने किसके अकॉर्डिंग बनाई है, बिल्कुल इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको इस वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को फ्रेंड्स लाइक जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।